जी, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं हसीब बिन जमील, जो बिन जमील कंपनी के डायरेक्टर हैं। अब ये पाकिस्तान आए, हम इनसे बात करते हैं, इनको पाकिस्तान का एटमोसफियर कैसा लगा और यहाँ आके इन्होंने कैसा चेंज देखा। जी हसीब बिन जमील, आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान आए हैं और आपको इधर के माहौल में और उधर के एटमोसफियर में क्या चेंज नज़र आया आपको? चेंज असल में ये है कि ये हमारी होमलैंड है, तो मैं हमेशा यहाँ पे आना पसंद करता हूँ। चेंजेस ये है काफ़ी ज़्यादा, आपकी फैमिली के लिए सिक्योर नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे बिजनेस तौर पे देखे एज अ बिजनेस मैन, सो वी डोंट फील सिक्योर ओवर हेयर। जो फैमिली रखनी पड़ती है तो उसकी सिक्योरिटी रीजन्स होती है, फिर आपको यहाँ पे वो एक्सपेंस करना पड़ता है, तो इससे अच्छा वहाँ पे रूल्स में चलो। वो पर पाकिस्तान तो हमेशा आना पड़ता है, इसके बिना रह भी नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए कि आपको इधर, आप कुछ दिन रहे हैं तो आपको कैसा लगा पाकिस्तान? आपकी बर्थ बाहर की है लेकिन फिर भी आपको पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आपको कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आता हूँ, स्पेशली जो ट्रैफिक है, एटमोसफेयर, एनवायरनमेंट है यहाँ का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग अच्छे लगते हैं, प्यार से मिलते हैं, और इखलाक लोगों का अच्छा है। बुराइयाँ भी होती है। अभी लास्ट टाइम मेरे साथ एक सीन हुआ, लास्ट नाइट में एक मेरा फ्रेंड था, तो हम लोग एक जगह पे जा रहे थे, तो गन पॉइंट में उन लोगों ने मुझसे मेरा फोन था, कुछ कैश था, ATM था, वो भी ले लिया। तो मेरे का एक्सपीरियंस बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आपके साथ ट्रेजेडी भी हुई फिर भी आप पाकिस्तान को लाइक करते हैं? पाकिस्तान है ना, फिर तो वेलकम टू पाकिस्तान ना, पाके पता चलता है। तो पाकिस्तान को फर्स्ट लाइक करता हूँ मैं, ये मेरी होमलैंड है और इसके बिना नहीं रह सकते। मैं हमेशा साल में 2-3 दफ़ा चक्कर लगाता हूँ। बिल्कुल, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह आने वक्त में कोई बिजनेस का मैं यहाँ सोचूंगा, अगर मुझे यहाँ का कुछ समझ आया। तो आपकी बर्थ कहाँ की है, पाकिस्तान की या दुबई नहीं, की? दुबई की, मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे, बोर्न एंड ब्रॉट अप ओवर देयर, सब। तो फिर भी आप पाकिस्तान को क्यों लाइक करते हैं, ऐसा क्या यहाँ पे आपने देखा? यहाँ पे असल में आप देखें ना,